हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल अड्डी क्लासेस। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे जो आपकी शिक्षक भर्ती परीक्षा होगी उस परीक्षा के लिए जो इंग्लिश का पैटर्न रहेगा। इंग्लिश सबसे आसान है संस्कृत से। अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी सी भी अच्छी है तो आप इंग्लिश का स्कोर अच्छा कर लेंगे थोड़ी सी मेहनत करने पर, बजाय संस्कृत के। पढ़नी संस्कृत भी है, इंग्लिश भी, क्योंकि सुपर टेट के सिलेबस में आपको पता है। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं कि इंग्लिश के टॉपिक में थोड़े ही सॉरी इंग्लिश के जो हमारा सब्जेक्ट है उसमें थोड़े से टॉपिक पढ़ने हैं आपको, और उन्हीं से आपका पेपर में 10 में से 10 आ जाएंगे। दोस्तों, पिछली बार परीक्षा में ऐसे प्रश्न आए थे जिसमें से 10 में 10 नहीं तो 10 में 9 आसानी से आ जाएंगे। सिर्फ आपके 2 अंक का जो आता है हमारा पैराग्राफ, उसके लिए थोड़ी सी इंग्लिश आपको सही करनी है। तो चलिए, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर शिक्षक भर्ती परीक्षा आपको देनी है तो इंग्लिश की तैयारी के लिए आपको क्या पढ़ना चाहिए। यहां पर आज हम बात करेंगे इंग्लिश के सिलेबस में से कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे थे जो आपसे पूछे गए थे। अंग्रेजी पाठ्यक्रम आप देख सकते हैं कौन किस में, 69,000 शिक्षक परीक्षा में। तो सुपर टेट में पूछे गए प्रश्न पहले आज हम चर्चा करेंगे, उसके बाद हर टॉपिक पर जो भी हमारे सब्जेक्ट हैं जैसे हिंदी, गणित है, इंग्लिश है, सब पे हम ये बताएंगे कि कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। तो चलिए एक एक करके आज समय को वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश में आपसे 2 चीजें पूछी जाएंगी। एक तो अनसीन पैसेज आएगा। अनसीन पैसेज से नंबर ऑफ क्वेश्चन का परसेंटेज होता है 20%, और इंग्लिश ग्रामर जो होता है आपका उसमें 80% आता है। उसके बाद अगर हम बात करें उन दोनों में से प्रश्न कितने आएंगे, तो इंग्लिश अनसीन पैसेज आपसे हर बार ले लेगा। जब भी आपका पेपर होगा आपको अनसीन पैसेज चेक करना होगा, उसमें 2 अंक का होगा, यानी 2 प्रश्न आपके मिलेंगे, आपको 2 प्रश्न करने होंगे। ठीक है, अनसीन पैसेज किस टाइप का था तो देखिएगा इस तरह से, ये जो रहता है शिक्षक भर्ती में आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है 86-87वां प्रश्न, यानी 2 प्रश्न इस अनसीन पैसेज से आपको करने हैं। ठीक है, प्रश्न अनसीन पैसेज पढ़ने के बाद ये 2 पूछे गए थे। एक वो प्रश्न सिंपल बढ़ जाता है सिनोनियम एंटोनियम्स का, देखिएगा यहां पर पूछा था अपोजिट यानी एंटोनियम्स ऑफ किसका, डिप्लीट। अब लेकिन हमें यहां पे डिप्लीट का अर्थ क्या निकल रहा है पैसेज में उसके अकॉर्डिंग बताना होता है। तो यहां सर इसके अकॉर्डिंग क्या निकल रहा है, समझ रहे ना। तो अनसीन पैसेज से 2 प्रश्न आ जाएंगे। उसके बाद आता है आपका ग्रामर, जो 80% का पार्ट बच गया। जैसे आपके 10 प्रश्न आते हैं, 10 में से 2 आपके आ गए आपके अनसीन पैसेज से, बच गए आपके 8, 8 आपके आएंगे ग्रामर से। ठीक है, ग्रामर में कैसे क्वेश्चन आएंगे, कौन से टॉपिक से आते हैं, तो बहुत आसान टॉपिक से आते हैं, जो टॉपिक आपने एक बार बस पढ़ लेना है आपका क्लियर हो जाएगा। दोस्तों एक बात और बता दूं कि अगर आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए चैनल बहुत इंपॉर्टेंट है। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि यहां पर हम आपके लिए जो गाइडेंस और जो आपका पैटर्न है, मार्गदर्शन का जो तरीका है, वो हम आपको बेस्ट से बेस्ट बता देते हैं। कोई बुक्स आप जो नेक्स्ट वीडियो हम आएंगे लेके आएंगे, वो हम इसमें ये बताएंगे कि हर सब्जेक्ट की एक एक बुक कौन सी लेनी चाहिए। मैंने इससे पहले बेस्ट बुक्स बता दी हैं जिसमें हमने हर सब्जेक्ट की कई एक बुकें बताई हैं जो बेस्ट बेस्ट हैं। लेकिन अब कमेंट आ रहा है कि इस हर सब्जेक्ट की एक एक बुक बता दीजिएगा जिससे हम परचेज कर लें। तो अगली वीडियो में हम आपके लिए लेके आएंगे कि जो आप नई शिक्षक भर्ती तैयारी कर रहे हैं तो कौन सी बुक लेनी चाहिए। चलिए तो आ जाइए, जो सबसे पहले 2 प्रश्न आपने देख लिए आपके अनसीन पैसेज से आए थे, तीसरा जो प्रश्न था वो फिलर्स था। फिलर्स मतलब फिल इन द ब्लैंक्स। देखिएगा यहां पर पूछा गया था कि इसके खाली स्थान पर क्या आएगा। ठीक है, तो यहां पर अगर देखा जाए तो बन के साथ बंस आता है। ये तो हम आपको पढ़ाएंगे, पढ़ेंगे तब देखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे पेपर को। फिलहाल हमें ये देखना कि आता क्या क्या है। तो फिलर्स आसान आते हैं, बहुत आसानी से हो जाएगा। वन के साथ वंस आता है, ई के साथ हिज आता है, या सी के साथ हर आता है, ऐसे तरह के आई के साथ माई आता है। ठीक है, तो ये थे अगली चीज। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन जो पूछा गया था चौथा, वो था वोवल कंसोनेंट से। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और ज्यादा मैक्सिमम बच्चों का गलत हुआ था। क्यों? क्योंकि इसमें कभी हमने साउंड के हिसाब से वोवल और कंसोनेंट नहीं पढ़े। हमने वोवल पढ़े हुए थे 5 और कंसोनेंट पढ़े हुए थे 21, क्योंकि 26 पढ़े होते। लेकिन अगर इंग्लिश में साउंड की बात की जाए तो साउंड के हिसाब से वोवेल होते हैं 20 और कंसोनेंट होते हैं 24। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था एक वोवेल और कंसोनेंट से, यानी आप कह सकते हैं जो वर्ण वाला हिंदी में होती है हमारी, इसी तरह से वर्ण वाला इंग्लिश में भी है, वहां से पूछे गए थे स्वर और व्यंजनों का। अगला एक क्वेश्चन पूछा गया था डायरेक्ट इनडायरेक्ट से, 5वां। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत ही आसान है, आसान क्वेश्चन पूछा गया था, आराम से हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन का हटा के भी हो जाता है ऑप्शन 11 मेथड से। तो अगला क्वेश्चन जो था 6 नंबर, वो पूछा गया था आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच से। पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या पूछा गया था, देखिएगा क्वेश्चन ये था, इसमें बताना था एन ऑफ क्या है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, प्रीपोजिशन है या नाउन है। तो ये एक था पार्ट्स ऑफ स्पीच से।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, सिर्फ सातवां टॉपिक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो आपने पढ़ा होगा, सब्जेक्ट वर्ब में एग्रीमेंट बोलते हैं, इसमें सब्जेक्ट क्या है ये पहचानना था। बहुत आसान था, क्योंकि इसमें क्या है, ऑन द टॉप ऑफ द हिल लिव्स ए हर्मिट, यानी ये एक हर्मिट, जो हर्मिट होते साधु, एक साधु ऑन द टॉप ऑफ हिल्स, पहाड़ी की, हिल्स की, पहाड़ी के टॉप पर बैठा है। तो इसमें कौन बैठा है, हर्मिट बैठा है, तो ए हर्मिट क्या हो जाएगा, इसका सब्जेक्ट हो जाएगा। बहुत आसान था क्वेश्चन। आठवां देखिएगा, किससे पूछा गया था, टेंस से। टेंस तो सब पढ़ते, शुरुआत से पढ़ा है। टेंस में क्या पूछा गया था, देखिए टेंस में पूछा गया था, इन द फॉलोइंग सेंटेंस चेंज द वर्ब इनटू द पास्ट टेंस। अब इसको में वर्ब जो होती है, वर्ब हम पढ़ते हैं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर सब में अलग अलग, पूरे उसके बाद उनके पार्ट्स में है, ठीक है, तो इनमें सिर्फ बदलना था, किसमें, पास्ट टेंस में। आसान था, चलेगा। अगला देखिएगा, नौमा फिर टेंस से था, एक क्वेश्चन देखिएगा, नौमा भी फिर किससे, टेंस से था। इसमें क्या पूछा हुआ था, देखो इसमें पूछा हुआ था, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस किस टाइप का है। तो इस, ये तो सबसे आसान था, हो सकता है जिन्होंने ये देखा होगा ना, ये साइन होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का, ये हमेशा हमेशा कहाँ लगता है, लास्ट में साइन जो लगता है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में लगता है। आंख बंद करके इसका आंसर लगा सकते हैं, ठीक है। तो एक टेंस से, दो टेंस से आगे क्वेश्चन। अगला था हमारा 10वां क्वेश्चन, आर्टिकल। आर्टिकल पढ़ते ना हम, ए एन दा, लेकिन डायरेक्ट ए एन दा से नहीं पूछा गया था, सेंटेंस में प्रयोग किया गया था, ठीक है। ए एन दा से क्या पूछा गया था, देखिएगा, ए एन और दा से, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट, किसमें ए और एन और दा का प्रयोग सही हुआ है। ए का यहां देखिए हुआ है, ठीक है, एन का यह हुआ है, और यहां पर देखिएगा एन का यूदा हुआ है, और ये एफ आई आर में एन का, है ना। तो देखिए यूरोपियन में या आता है, साउंड में या आता है, इसलिए ए यूरोपियन यूदा, ए अमरेला होता है इसलिए, ठीक है, सॉरी यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी में यू आता है, लेकिन ए आई ओ यू की तरह ए यूनिवर्सिटी होता है, एन यूनिवर्सिटी नहीं होता, इसी तरह से ये वाला था, ठीक है। उसके बाद वन, वन और एन दोनों एक को डिनोट करते हैं, इसीलिए एक ही आता है, तो वन के साथ एन नहीं आता है, इसलिए ये गलत था। आई डोनेट एन यूनिट, यूनिट में क्या आएगा, यू, ई आ गया, इसलिए इसमें भी नहीं बनेगा। तो लास्ट एफ आई आर, एफ आई आर में ए आया, ए आई ओ यू में ए आता है, इसलिए एन वाला आर, ये वाला सही है। दोस्तों देखा आपने, जो इंग्लिश का था संस्कृत से बहुत आसान होता है, तो इंग्लिश में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, एक दो टॉपिक और भी है। तो अगली जो वीडियो, इसके जैसे हमने कहा था आपसे कि एक वीडियो हम बनाएंगे जिसमें हमने क्वेश्चन बताए क्या क्या आए थे, कौन कौन से टॉपिक से, और एक वीडियो और बनाएंगे अब हम, जिसमें हम अब ये बताएंगे कि हिंदी में कौन कौन से टॉपिक पढ़ना बेस्ट रहेगा, इसमें से कुछ छूट गए हैं, 10 ही टॉपिक से नहीं आएंगे टॉपिक, यहाँ पे तो 7-8 ही ले गए हैं, लेकिन टॉपिक हमारे कम से कम आपको 10 के बाद 15 के करीब टॉपिक तैयार करना है। तो 5 वो टॉपिक कौन से और होंगे जो आपको तैयार करने हैं, वो भी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए अब मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू।